अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। इसमें पेशेंट के अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सनैलिटी मौजूद होती हैं और पेशेंट उन पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपना रोल जो है अदा कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टाइम पर पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अपने जो है जेन्युइन रोल अदा करता है, थोड़ी देर बाद जैसे ही दूसरी पर्सनैलिटी आती है तो फिर वो उस पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है और उसी तरह वो रोल अदा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो जो है पहली पर्सनैलिटी को टोटली भूल जाता है। जब तक पहली जो है पर्सनैलिटी डोमिनेंट रहती है, दूसरी पर्सनैलिटी ऊपर नहीं आती, वो जो होती है डोमिनेंट नहीं होती। इसकी वजह से पेशेंट की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पेशेंट जो है जिस पर्सनैलिटी में होता है उसी पर्सनैलिटी का वो रोल अदा कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे मालूम नहीं होता। तो ये सारा कुछ जो है अनकॉन्शियसली पेशेंट जो है कर रहा होता है, और जैसे ही पेशेंट दोबारा अपनी जेन्युइन पर्सनैलिटी में आता है वो सब कुछ भूल जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जो हैं हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम डायग्नोस किए जाते हैं। डायग्नोस इसलिए कम किए जाते हैं क्योंकि ये पेशेंट जो हैं पहले डायग्नोस होने से पहले मुख्तलिफ बाबों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ दम दरुद करने वाले लोगों के पास जाते हैं और जाकर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर, हमारी बच्ची के ऊपर, हमारे बाप माँ जो भी रिश्ता होगा उसके ऊपर एक जिन का साया आ गया है। अचानक से इनके अंदर जिन आ जाता है, जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, मार पीट नॉर्मल होती है, अजीब काम करना शुरू कर देते हैं जो कभी इसने किए ही नहीं है, पर्सनालिटी चेंज है, आवाज़ बदल जाती है, लहजा सख्त हो जाता है और इवन के रिश्तों को भी नहीं पहचानते और नई दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। और लेकिन जैसे ही ये दोबारा नॉर्मल होते हैं तो इन्हें सारी चीज़ें जो है पहले जो इन्होंने की होती है वो सारी भूल जाते हैं और फिर दोबारा से अपनी वही ज़िंदगी गुजार रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता है तो फिर ऐसे ही उनके अंदर जिन आता है और जिन जो है उनसे जो जो करना कहता है वो करना शुरू कर देते हैं, आवाज़ बदल जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, गुस्सा होता है और इतना वज़न उठा लेते हैं जितना वज़न इन्होंने पहले कभी ज़िंदगी में उठाया ही नहीं है। गाली गलौच नॉर्मल बात है और इस तरह की जो है अक्सर केसेस, इनके पीछे जो है कोई ना कोई स्ट्रेसेस होता है पेशेंट्स के, और उन स्ट्रेसेस की बेस पे ये जो इन इम्पल्स होती है वो अगर जो है कंट्रोल ना हो रही हो, उनकी फुलफिल ना हो रही हो, तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें पेशेंट जो है उस इन इम्पल्स को जो है फुलफिल करने के लिए इस तरह की जो है ख्वाहिशात अपने अंदर पैदा कर लेता है और फिर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर उसका शिकार हो जाता है, जिसमें पेशेंट वो सब कुछ करता है लेकिन उसे वो मालूम नहीं होता, वो सारी चीज़ें उसके अनकॉन्शियस में होती हैं और वो सारी अनकॉन्शियस की चीज़ें डोमिनेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी अपने अंदर अपना लेता है और उनकी तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। इसके ऊपर डिफरेंट मूवीज़ भी बनी हुई हैं। तो हमारे कल्चर में जो है अक्सर ये जिन भूत की एग्जांपल होती हैं, चुड़ैलों की एग्जांपल होती हैं, बच्चे के अंदर अचानक से आवाज़ बदल जाती है, जिन आ जाता है, चुड़ैल आ जाती है, तो ये सारा जो कुछ होता है ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की सिम्टम्स है। इसको प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है प्रॉपर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेस पे इसे को मद्देनजर रखकर डायग्नोस करते हैं। अब मैं बात करता हूँ काजिज की। तो काजिज इसके पीछे कोई ऐसे स्ट्रेसेस हो सकता है, ऐसी डिज़ायर्स हो सकती हैं जो पेशेंट की फुलफिल नहीं होती, और इसके पीछे जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और भी बहुत सारी जो है काजिज इसके पीछे हो सकती हैं। मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट सबसे पहले जो है एक्यूरेट डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्यूरेट डायग्नोस हो जाए तो उसके बाद जो है एक्टिव सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट वगैरह देते हैं, और इसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले जो है फैमिली काउंसलिंग करते हैं और उसके साथ जो है पेशेंट के अंदर इंसाइट बिल्ड करते हैं। पेशेंट के अंदर इंसाइट बिल्ड करना सबसे टफ टास्क होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि पेशेंट के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं होती, पुअर इंसाइट होती है। तो इसके लिए जो है फैमिली को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैसे ही पर्सनैलिटी चेंज होगी तो आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लें, या रूम्स के अंदर, घर के अंदर मुख्तलिफ जगह पर कैमरा सेट करते हैं, तो जैसे ही ये
उस पर्सनैलिटी में शिफ्ट होगा तो ये रिकॉर्ड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली चीज़ें, और फिर जैसे ही पेशेंट नॉर्मल होगा तो और वो रिकॉर्डिंग जो है साइकोलॉजिस्ट किसी स्पेसिफिक इंसेंटिव के तौर पर उसके सामने रखेगा और फिर इस तरह उसके अंदर इंसाइट को डेवलप करेगा। और इसके साथ साथ जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए इनके स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके ऊपर वर्क किया जाता है ताकि वो स्ट्रेसेस रिजॉल्व हो सकें और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।